हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्लास 11 कक्षा 11 का है गणित, और सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय सेट, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। तो समुच्चय किसे कहते हैं? अवयवों के समूह को ही समुच्चय कहते हैं, यानी कई अवयव। अब अवयव क्या है? सभी संख्याएं भी अवयव हैं, और ए से जेड तक की ये भी आपके अवयव ही हैं, ठीक है ना। तो जितने भी अवयव हैं उनके समूह, समूह मतलब सबका मिलान ही क्या कहलाता है? हमारा समुच्चय कहलाता है। इसमें प्रश्नावली हमारा 1.1 है। अब देखिए, बुक्स वगैरह आप लोग लेके बैठेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं थोड़ा जो समझाने लायक हैं, लेकिन आप लोग प्रश्नावली देखेंगे तब भी एग्जाम्पल आएगा, चाहे एग्जाम्पल देखिए प्रश्नावली आएगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय हैं? अब समुच्चय के बारे में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि यह समुच्चय है कि नहीं है? देखिए, जो फॉलो करे, यानी जिसके बारे में यह कहा जा सके कि हाँ यह संभव है, यानी जो चीज़ें संभव हो सकती हैं वह समुच्चय हैं, और जो चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं वह समुच्चय नहीं है। आप कहेंगे कैसे यह है? देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, संग्रह मतलब समुच्चय। अब देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष के सभी महीने, अब जैसे देखिए जनवरी भी आ रहा है, जनवरी भी आ रहा है, जून भी आ रहा है, जुलाई भी आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या आप लोग यह ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि है कि नहीं है? जी हाँ, हम कह सकते हैं कि जे अक्षर से वर्ष में जितने भी प्रारंभ हो रहे हैं हम उसकी गणना, यानी उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं तो वह आपका समुच्चय है। तो इसके हिसाब से आप लोग कहेंगे कि क्या यह समुच्चय है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, यह क्या है? हमारा समुच्चय। इसका मतलब यह कथन हमारा सत्य है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब पूरे भारत में हमको बताना है कि कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है। अब देखिए, इसमें मत ये आता है कि आपके अनुसार कहेंगे कि नहीं ये रहेंगे सबसे अधिक प्रतिभाशाली, हम कहेंगे हमारे हिसाब से नहीं ये। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यक्ति के आधार पर सभी मत भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। उनका कहना है कि नहीं ये लेखक सबसे अच्छे हैं, उनका कहना होगा कि ये लेखक सबसे अच्छे हैं। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा यह है, यह हमारा समुच्चय नहीं हो सकता, यह कथन असत्य है, ठीक है ना। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि विश्व विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, या 11 बल्लेबाज, या कह दिया कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए, सब बल्लेबाज जितने होंगे सबके लिए ये भी अलग अलग मतानुसार होंगे। हर खिलाड़ी सब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होगा। उनका कहना होगा नहीं सबसे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी ये हमारा है, हम कहेंगे कि नहीं सबसे अच्छा खिलाड़ी ये हमारा है। तो सबके अनुसार मत भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब विश्व के लिए हम यह भी नहीं कर सकते कौन सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है ना। यह भी समुच्चय हमारा नहीं बन सकता है। आगे देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आप लोग क्लास में अध्ययन करते हैं तो हम तो इतना बता सकते हैं, हम अध्यापक हैं, हम तो बता सकते हैं कि इस क्लास में, या आप भी बता सकते हैं कि इस क्लास में कितने बालक बैठते हैं। तो बालक को आप लोग तो गिन सकते हैं, उसके बारे में पता लगा ही सकते हैं। इसका मतलब कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम समुच्चय बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा कथन क्या है? सत्य है। अगला हमारा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, राइट। तो क्या हम 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, समुच्चय का निशान आपका यही है, समुच्चय का निशान यही मझला कोष्ठक की तरह बनता है, यह समुच्चय का निशान होता है। तो क्या समुच्चय के अंदर हम 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे आप लोग? 99, क्योंकि 100 से कम का है। इसको भी हम लोग गिन सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका हमारा ये भी क्या है? समुच्चय है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 से 5 तक अध्ययन कर चुके हैं, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन बचेगा।